हेलो दोस्तों, डीएम कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? माइक एडोबी फोटोशॉप के अंदर। तो हम स्टार्ट मेन्यू में चलते हैं। वो एडोबी फोटोशॉप 7.0 वाला वर्जन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइल मेन्यू में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखें कि ये लेयर प्लेट ये होनी चाहिए आपकी, और ये कहाँ से आती है मैं इसे हटा देता हूँ। और ये विंडोज, और यहाँ लिखा हुआ है लेयर, यहाँ से ये लेकर आनी है। ये ब्लू कलर के ऑप्शन को पकड़ के यहाँ से इधर उधर आप ले जा सकते हो इसे, ठीक। यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाना है और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ फाइल हम बना रहे हैं। अब हमें लिखना क्या है, महाकाल लिख दिया हमने। अपनी फाइल की साइज क्या लेनी है, अभी के लिए हम देखें हैं कि यहाँ पर कस्टम साइज वाला ऑप्शन होगा सबसे ऊपर, इसे हम क्लिक करते हैं। यहाँ से इन्हें इंचेस वाले ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें हम, और विथ हमें ज़्यादा रखनी है, समथिंग 8x4। और रिसोल्यूशन 300 रखना रहेगा, RGB मोड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ओके करेंगे, ये इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब सबसे पहला कार्य, एडिट मेन्यू में जाकर फिल ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन को क्लिक सिलेक्शन रखना है, और मोड नॉर्मल होना चाहिए, ओपेसिटी 100 होना चाहिए। ओके करेंगे, पेज हमारा ब्लैक कलर से फिल हो जाएगा। अब हमें दूसरा काम करना है, टेक्स्ट टूल क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी बार है हमारे सामने, यहाँ पे कलर दिखाई देगा, यहाँ से कलर हम चुन सकते हैं, और वाइट कलर में हमें इसे लिखना है। आप यहाँ ड्रैग ब्रेक नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बटन को दबाना है, और साइज है प्रॉपर्टी बार से कम या ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ लिख लेते हैं हम महाकाल, और राइट बटन दबा देते हैं प्रॉपर्टी बार से। ओके, अब हमें पिक टूल को क्लिक करना है, पिक टूल जिसे मूव टूल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बड़ा कर लेते हैं, इसकी सहायता से रोटेट आ गए हैं, और ये हमने राइट बटन दबा दिया। अब हमें क्या करना है, अब जाना है हमें इस लेयर प्लेट के, यहाँ पर हमें ये एफ वाला बटन दिखाई देता है, इसे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का ऑप्शन दिखाई देंगे। हमें लेना है सबसे नीचे वाला स्ट्रोक, क्लिक करते ही हमारे सामने मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में हम क्या करें, यहाँ पे स्ट्रोक हमें बढ़ाना है, समथिंग 10 से ऊपर रखना है, तो मैं रख लेता हूँ 12। और ये कलर है इसका जो कि हमें क्या रखना है, वाइट। इस तरह से आपको मेंटेन करके वाइट कलर को लेकर आना रहेगा। ओके करेंगे, और फिर हमें यहाँ जाना है कलर ओवरले, और यहाँ इसे करना है ब्लैक कलर से फिलअप। ओके कर देंगे, ये इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, ये लेयर प्लेट में ध्यान दें तो ये लेयर बैकग्राउंड और महाकाल वाले जो टेक्स्ट की है दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक कर देना है। लेयर प्लेट, लेयर मेन्यू के अंदर हम देखते हैं फ्लैटन इमेज सबसे नीचे नीचे हमें दिखाई देता है, क्लिक करते ही सारी लेयर एक हो जाएंगी। अब हमें जाना है फिल्टर मेन्यू के अंदर, यहाँ पे हमें दिखाई देता है स्टाइलिश वाला ऑप्शन, इसके अंदर हमें नीचे नीचे दिखाई देता है विंड, जैसे कि हम हवा चलाएंगे, यहाँ हवा चलाने के ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाना है। ओके, अब इसका
का एक शॉर्टकट बन चुका है। कहाँ, यहाँ फिल्टर के अंदर सबसे ऊपर ऊपर कंट्रोल F क्लिक करेंगे, हवा चल जाएगी। अब हमें इस फोटो को घुमाना है तो हमें जाना होगा इमेज मेन्यू, रोटेट कैनवास और 90 डिग्री CCW। अब हमें फिर फिल्टर में जाके हवा चलानी है अपनी इच्छा अनुसार जितनी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो हमें समझ में ही नहीं आए। रोटेट कैनवास 90 डिग्री CW। अब हमें जाना है फिल्टर मेन्यू और हमें डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ मिलता है रिपल, जिससे लहराती हुई आगे हम बता सकते हैं। कम से कम यह 200 के अंडर में और 150 से ऊपर होना चाहिए। एडजस्टमेंट के आधार पे आप जैसा चाहें वैसा करके यहाँ देख सकते हैं। आउटपुट में रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। ओके करेंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमें फिल्टर मेन्यू में ब्लर ऑप्शन पर ग्रेशियन ब्लर अप्लाई करना है। ये हमने ग्रेशियन ब्लर अप्लाई किया, 0.8 कर रखा है मैंने, तो मैं 6 कर देता हूँ। ओके, अब हमें इमेज मेन्यू में मोड ऑप्शन पर ग्रे स्केल को क्लिक करना है। ओके, फिर इमेज मेन्यू मोड ऑप्शन और इंडेक्सेड कलर, जब इसको क्लिक करेंगे तब जाके कलर टेबल ओपन होगी। ये अब हमें इसे क्लिक करना है और यहाँ ब्लैक बॉडी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। ये हमारा नाम तैयार हो चुका है। ओके करेंगे, अब हमें वापस से जाना होगा इमेज मोड ऑप्शन और RGB कलर, तब जाके हम इसे फोटो में सेव कर सकते हैं RGB करने के बाद। सेव ऑप्शन पे जाना है, JPG ऑप्शन यहाँ से लेना है और महाकाल हमने नाम पहले ही फाइल का दे दिया था। हम इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, लोकेशन हम साइड से भी ले सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं। लोकल डिस्क DM कोचिंग क्लासेस एंड ओके ओके। ये हमारा फोटो बनकर तैयार हो गया है, हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा स्टार्ट मेन्यू, कंप्यूटर और लोकल डिस्क DM और ये हमारे पास महाकाल लिखा हुआ फोटो प्रीव्यू, एंड इसे जूम करके हम देख सकते हैं कि आग इसमें लग चुकी है। तो ये हमारा यहाँ पर